और अब आपको दिखाते हैं शिवसेना की नई मेयर जो बनी है उनका क्या बयान आया। नई मेयर बनी है मुंबई में, ये देखें आप। आपको बताना चाहेंगे इसमें बीजेपी ने किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास आंकड़े नहीं है इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सौरभ बगदानी हमारे साथ है। सौरभ, पूरी खबर बताएं। जी निशान, बोलिए। बताइए, ये जो नई मेयर बनी है इसके ऊपर क्या अपडेट है आपके पास? निशांत, अभी कुछ ही देर पहले मुंबई बीएमसी में मेयर पद के चुनाव हुए। कल ठाणे में भी शिवसेना का जो कैंडिडेट था नरेश मस्के, वो अनपोज चुना जाता है। और आज मुंबई मेयर के जो चुनाव होते हैं उसमें जो है किशोरी पेडणेकर, चार बार की जो कॉरपोरेटर रह चुकी है, वो आज मुंबई की नई मेयर चुनी जाती है। ताज़ा अपडेट आपको निशान दे दें, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे अब कुछ ही देर में यहाँ पर आ चुके हैं। आपको बता दें, अब ताज़ा विजुअल सब आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। यहाँ पर उद्धव ठाकरे यहाँ पर आ चुके हैं और वो जो नई मेयर चुनी गई है किशोरी पेडणेकर, उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और साथ ही रश्मि ठाकरे अब कुछ ही देर में यहाँ पर आएगी। आपको बता दें कि किशोरी पेडणेकर है वो चार बार कॉरपोरेटर रह चुकी है, उसके पहले वो नस का काम करती थी और अब वो मुंबई की मेयर चुनी गई है, अनओपोज चुनी गई है। और निशांत, अब कुछ ही देर में यहाँ पर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे यहाँ पर आएंगे और बधाई देंगे। ताज़ा विजुअल्स आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, अब जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं और थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर आएंगे। कुछ ही देर पहले उद्धव ठाकरे मातोश्री पर थे, जहाँ पर जब सभी पार्टी एमएलए को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए में बीजेपी ने उनको धोखा दिया है और उसके लिए वो 25 साल का जो गठबंधन है वो तोड़ रहे हैं और अब अलग होने की बारी आ चुकी है और महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनेगी वो शिवसेना की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, अब आज लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। तस्वीरों में आप अब देखेंगे कि कुछ ही देर में अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे आ चुके हैं और ये देखिए तस्वीरों में निशांत, उद्धव ठाकरे अब बीएमसी पहुंच चुके हैं। किशोरी पेडणेकर को मिलेंगे उद्धव ठाकरे के साथ, उनकी वाइफ रश्मि ठाकरे भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो उद्धव ठाकरे, आदित्य न्यू मेयर फ्रॉम शिवसेना। यस, ऑफकोर्स, वी आर हियर टू कांग्रेचुलेट हर। And you also won the Thane mayor. Yes, and Ullasnagar. So, ये आदित्य ठाकरे थे निशांत हमसे बात करते हुए और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि उल्लासनगर, ठाणे और मुंबई के ये तीनों जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वहाँ पर शिवसेना ने अपना कब्जा दिखा चुके हैं। और निशांत, एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे जो जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उनसे भी बात करेंगे और उनको संबोधित करेंगे कि किस तरीके के अभी पॉलिटिकल हालात है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्दी, सभी जो शिवसेना के कॉरपोरेटर है वो यहाँ पर मौजूद है। उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आते हुए और अब देखे यहाँ पर वो किशोरी पेडणेकर को मिलेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ सीएम की बात चल रही है और दूसरी तरफ शिवसेना का मेयर है। लेकिन ये आपको बताना चाहिए, ज़रूरी हो जाता है कि इस चुनाव में बीजेपी ने अपने किसी भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया था। उनका ये कहना था कि हमारे पास समर्थन नहीं है, हमारे पास संख्या बल नहीं है, इसलिए हम नहीं खड़ा करेंगे। उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचने वाले, हमारे सहयोगी हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। एक बात बताइए मुझे, ये कितनी बड़ी जीत के तौर पर शिवसेना इसको देख रही है? बंदे के लिए सौरभ,
तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए आप, उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंच चुके हैं। तो शिवसेना का होगा ये साफ हो चुका है, बड़ी जीत। सवाल खड़ा ये होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इन तस्वीरों को देखें आप, नया मेयर शिवसेना का। शिवसेना ने ये मेयर की जो पोस्ट है ये अनअपोज जीती है, आपको ये बताना जरूरी हो जाता है। किसी ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। किशोरी पेडणेकर मुंबई की नई मेयर बनी। इस रेस से भारतीय जनता पार्टी हट गई थी, उसका कहना था कि उसके पास आंकड़े नहीं है। 56 साल की किशोरी पेडणेकर और सुहास वाडकर 44 साल के, इन दोनों ने ही सिर्फ नॉमिनेशन फाइल किया था मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। 22 नवंबर को चुनाव हुआ। बताया जाता है कि बीजेपी ने कांग्रेस को रीच आउट किया था, ऐसी खबरें थी, लेकिन उसके बाद बीएमसी, जिसको कहा जाता है कि एशिया की सबसे अमीर सिविक बॉडी है,